स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल एजेंट्स के बारे में कि आपको अगर ट्रैवल एजेंट का बिजनेस करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, ट्रैवल एजेंट के बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, कितना उसका इनकम होता है, सेटअप किस तरह से करना होता है, आप इसके लिए और क्या क्या कर सकते हो जिससे कि आपका जो बिजनेस है ट्रेवल एजेंट का वो और बड़ा हो सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में जानिए कि आप अगर इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करने की जरूरत है। बट उससे पहले मैं आपको एक जानकारी आपको दे देता हूं कि एक ट्रेवल एजेंट जो होता है उसकी जो कमाई होती है महीने की, वो नॉर्मल जितने भी ट्रांसपोर्ट ब्रोकर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट उनके बराबर उनकी कमाई होती है। देखा जाए तो यहाँ पे भी आप महीने के तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। डिपेंड करता है दोस्तों कि आप ये बिजनेस किस तरह से करते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, मैं आज ट्रेवल एजेंट के बारे में जो जानकारी देने वाला हूँ ये डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में है। इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मैं किसी और दिन बनाऊंगा क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वहां पे सर्टिफिकेशंस वगैरह से रिलेटेड ज्यादा काम होते हैं, तो इसलिए मैं वो वीडियो अलग से बनाऊंगा। बट आज का जो वीडियो है आज मैं सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस के लिए ही बनाऊंगा। तो दोस्तों ट्रेवल एजेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसके अंदर आपके फ्लाइट बुकिंग से रिलेटेड काम हो जाता है, ट्रेन बुकिंग, कहीं भी बस वगैरह का जो बुकिंग होता है उससे रिलेटेड, शादी वगैरह में जो गाड़ियां बुक होती है उससे रिलेटेड, इसके बाद में बात करूं किसी को कार चाहिए होता है, बस चाहिए होता है उससे रिलेटेड, सीट अगर बुक करवाना है आपको बस के अंदर तो उससे रिलेटेड, ये सारे के सारे ट्रेवल एजेंट का काम होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको पैकेजेस वगैरह जो हो जाता है, कहीं हॉलीडे पैकेजेस जो होता है उससे रिलेटेड, इसके अलावे अगर बात करता हूं तो होटल बुकिंग्स वगैरह, ये सब कुछ आपका ट्रेवल एजेंट बिजनेस के अंदर आता है। इसको आप दो तरीके से रन कर सकते हो, आप इसको मैनुअल मतलब कि ऑफलाइन भी रन कर सकते हो, इसको आप ऑनलाइन भी रन कर सकते हो, दोनों तरह से ये बिजनेस आप आराम से रन कर सकते हो। तो दोस्तों एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ये आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इस बिजनेस को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। आप इसको सोल प्रोप्राइटर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, LLP भी बना सकते हैं, इस तरह से आप इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा काम आता है दोस्तों कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक ऑफिस की जरूरत जरूर होती है, चाहे वो ऑफिस आपका छोटा ही क्यों ना हो, आप छोटा ऑफिस भी रख सकते हो, बड़ा ऑफिस भी रख सकते हो, आप कितना बड़ा अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में बड़ा करके बनाते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके स्टार्टिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक ऑफिस लेने की जरूरत होती है। एक ऑफिस लेने के बाद वहां पर आप अपने एक बोर्ड लगवाइए जिसपे कि आप बताइए कि आप क्या क्या करते हैं, किस तरह का आपका ट्रेवल एजेंट का काम होता है। इसके बाद दोस्तों काम बात आती है कि अब जो काम स्टार्ट करना है वो किस तरह से करना है, मतलब कि अगर बस में बुकिंग करना है तो उसके लिए क्या करना है, अगर ट्रेन से बुकिंग करना है तो उसके लिए क्या करना है, फ्लाइट से बुकिंग करना है तो उसके लिए क्या करना है, कार वगैरह किसी को चाहिए होता है तो उसके लिए क्या करना है। तो अब ये सारी चीजें मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आते हैं हम दोस्तों बस के ऊपर। बस का अगर आपको काम करना है तो बस के लिए आपको जितने भी जिस जिस रूट के लिए, आप सबसे पहले तो रूट डिफाइन कीजिए कि आप कहाँ कहाँ के लिए बस का बुकिंग करेंगे, देहरादून के लिए करेंगे, जयपुर के लिए करेंगे, अगर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ तो अम्बाला के लिए करेंगे, चंडीगढ़, जम्मू तवी, लखनऊ, कानपुर, गोंडा, बस्ती, भोपाल, इंदौर, जहाँ जहाँ के लिए आप करना चाहते हैं पहले आप वो एक डेटा बना लीजिए, आप कौन कौन से शहर के लिए बस बुकिंग का काम करेंगे। आपने ये डेटा बना लिया, अब आपके जहां से भी आपके नियर बाय जो भी बस स्टैंड है, जहां से क्यों सारे सिटीज के लिए बस खुलती है, उनके ऑनर से आप बात कीजिए कि अगर आप उनके लिए बिजनेस करते हैं, अगर आप उनको अपने तरफ से सीट देते हैं तो वो आपको कितना कमीशन दे सकते हैं। दो तरह से होती है दोस्तों यहाँ पे, एक तो आप उनसे कमीशन ले सकते हो, दूसरा होता है कि आप चाहो तो जो उनका रेट होता है उसमें थोड़ा सा आप ज्यादा करके रेट लगा सकते हो,
तो इसमें जो है कमीशन के अलावे आपकी भी जो है बचत हो जाती है। तो ये दो तरीके से चलता है। तो आप चाहो तो जितने भी बस मालिक है जो उस रूट के लिए बस चलाते हैं, सबसे पहले आपको उनसे बात करना होगा, जो भी वहां पे बस स्टैंड है, जो भी उस बस के ऑनर है। जनरली आप देखते होगे कोई भी बस होता है उसके पीछे में उसके ऑनर का नंबर जरूर होता है लिखा हुआ, साइड में जरूर होता है लिखा हुआ। तो आप उनसे कॉल करके और उनका जहां जहां पे भी बस चलता है डिटेल्स ले लीजिए, कितना आपको कमीशन दे सकते हैं सब फाइनल कर लीजिए। और इसके बाद आप उनका कोई अगर बुकिंग का फॉर्म होता है तो आप रख लीजिए, नहीं होता है तो आप अपना फॉर्म वहां पे दे सकते हैं। ये तरीका हो गया बस के लिए। दूसरा आता है दोस्तों ट्रेन के ऊपर। ट्रेन के ऊपर आपको किसी का टिकट करना है तो टिकट के अलावे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है आपका जिसका भी टिकट आप बुक करते हो उसको देना होता है। तो उसके लिए आपको IRCTC का एजेंट बनना होता है। तो उसके लिए आप IRCTC पे अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, जैसे कि ID से रिलेटेड हो गया, पैन कार्ड से रिलेटेड हो गया। वो सब कुछ डिटेल्स देने के बाद आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाता है। IRCTC में एजेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप वहां पे एजेंट बन सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि फ्लाइट का बुकिंग करना है तो फ्लाइट का बुकिंग करने के लिए आपको एजेंट बनना पड़ता है। MakeMyTrip, Yatra.com, ClearTrip, ixigo, इस तरह के जितने भी वेबसाइट्स हैं आप इन लोगों के एजेंट्स बन जाइए, इन लोगों का फ्रेंचाइजी ले लीजिए और यहां से आप फ्लाइट का बुकिंग कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज्यादा होते हैं फ्लाइट के तो आप चाहो तो डायरेक्ट एयरलाइन से भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो उनका और वहां से भी आप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा मिनिमम एक जो है अमाउंट पे करना होता है फ्रेंचाइजी के लिए, तभी वो आपको अपना मेंबर बनाते हैं। तो इस तरह से आप फ्लाइट का एजेंट बन गए, ट्रेन का एजेंट बन गए, बस का एजेंट बन गए। अब बात करते हैं कार के ऊपर कि कार के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों कार के लिए आपके शहर में जो भी कार वगैरह चलता है उन लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके नियर बाय बहुत सारे कार वाले आपको मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि इंडिको है, इंडिका है, स्विफ्ट डिजायर है, वेगनार है, होंडा सिटी है, इस तरह के जितने भी कार होते हैं, जो भी कमर्शियल कार आपको दिखता है मार्केट में कहीं पे भी खड़ा, उनसे बात कीजिए, उनका डिटेल्स आप ले लीजिए, उनसे पता कर लीजिए वो अपने कार को कहाँ कहाँ चलाते हैं, उनके कार के पास कहाँ कहाँ का परमिट है, उसके हिसाब से आप उनके गाड़ी के लिए बुकिंग कर सकते हैं। वो लोग कभी कभी बाहर भी जाते हैं तो आप उनसे बात करके उनका बुकिंग कर सकते हैं। जब ये सब कुछ आपके पास दोस्तों हो जाता है तब स्टार्ट होता है आपका बिजनेस। आपको आपका बिजनेस करने के लिए अब क्या करना होगा इसके बारे में भी जानकारी मैं दे देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के लिए फिर आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत होती है, जहां पे कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक डिटेल्स बनाइए, फॉर्म बनाइए, अलग अलग चीजें वहां पे बताइए। अगर आप कार प्रोवाइड करवाते हैं तो उससे रिलेटेड आप बताइए कि कहां से कहां के लिए कितना आप फी वगैरह लेते हैं, कितना चार्ज लेते हैं। अगर जैसे दिल्ली की मैं बात करूं कार का, तो अगर आप दिल्ली दर्शन कराते हैं तो वहां पे कष्ट आपको चार्ट बनाना होता है कि किस तरह से कितने किलोमीटर के लिए कौन से कार का कितना चार्ज हो सकता है। तो इस तरह से आपको डिटेल्स बनाना होगा। अगर आप बस का बुकिंग कराते हैं तो वहां पे आपको बस के बुकिंग के लिए पोर्टल बनाना होगा कि कहां से कहां के लिए बस का बुकिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक सिस्टम पे जा करके अपना एक वेबसाइट में डिटेल्स फिल कराना होगा। ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बट वहीं पे हम बात करते हैं कि आपको अगर ऑफलाइन कर रहा है तो ऑफलाइन के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है। जहां पे भी बस स्टैंड वगैरह होते हैं, जहां पे ज्यादा करके बस खड़े होते हैं, वहां पे आप एक बंदे को टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर बिठा दीजिए, जो भी है उसके साथ ही एक बोर्ड वहां पे डलवा दीजिए, जहां पे कि आप बताइए कि कहां कहां के लिए आप बस में बुकिंग करवाते हैं, कहां कहां के लिए आप होटल का बुकिंग करवाते हैं, कहां कहां के लिए आप ट्रेन से बुकिंग करवा सकते हैं, फ्लाइट से बुकिंग करवा सकते हैं, सब कुछ एक बोर्ड बनवाइए। बोर्ड बनवा करके एक टेबल लगवाइए, छतरी लगवाइए और वहां पे उसको बिठा दीजिए। जो भी बंदा वहां से जाता है, क्योंकि होता क्या है जनरली आप देखते होंगे जैसे ट्रांसपोर्ट एरिया में ट्रक से रिलेटेड लोग ज्यादा जाते हैं, उसी तरह से बसेज वगैरह का जो बुकिंग होता है वहां पे ट्रेवल एजेंट से रिलेटेड लोग ज्यादा बैठे होते हैं, वहां पे पैसेंजर ज्यादा जाते हैं। तो जब पैसेंजर ज्यादा जाते हैं तो वहां पे हर कुछ वो खोजता है, वो ट्रेन से रिलेटेड चीजें खोजता है, वो आपको कार बस से रिलेटेड चीजें खोजता है, वो फ्लाइट से रिलेटेड चीजें खोजता है, वो आपका होटल से रिलेटेड चीजें खोजता है। तो आपके पास अगर ये सब कुछ है और बंदा वहां पे बैठा हुआ है सारे चीजें को लेकर के,
तो उसके पास किसी भी तरह का कोई पैसेंजर आता है तो सब कुछ वहां से प्रोवाइड करवा सकता है। इसके लिए आप चाहे तो एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बात आती है होटल्स की, तो होटल के लिए दोस्तों आप दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में है, अगर दिल्ली एनसीआर से आपको होटल का बुकिंग करना है तो यहाँ पे नॉर्मली आप जाकर के होटल वालों से बात कर सकते हैं कि अगर आप वहां पे लोगों को भेजते हैं रहने के लिए तो वो आपको कितना कमीशन दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप सिटी वाइज में जाकर के होटल से रिलेटेड लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से अपना खुद का कॉन्टेक्ट बना सकते हैं और खुद से अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आपका खुद से वहां पे एक कमीशन बेस बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेक माई ट्रिप yatra.com क्लियर ट्रिप से रजिस्टर्ड है तो आप यहां से भी बिजनेस कर सकते हैं। यहां से जो भी आप बुकिंग कीजिएगा उसका एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट के थ्रू आपको जो है कमीशन मिलता है। तो यहां से भी आप इस तरीके से भी बिजनेस कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिए कि जो चीज आप मेक माई ट्रिप yatra.com क्लियर ट्रिप.com ये सब कुछ से करते हैं वहां पे जितना कमीशन आपको मिलता है उससे कहीं ज्यादा कमीशन अगर आप खुद से होटल के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं और वहां पे पैसेंजर्स वगैरह को भेजते हैं, गेस्ट वगैरह को भेजते हैं, तो वहां पे आपको और ज्यादा कमाई होता है। तो दोस्तों ये सारे तरीके जहां से कि आपको ज्यादा कमाई हो सकता है और इसी तरीके से आप ट्रेवल एजेंट के बिजनेस को सही से रन कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कि इसको और ज्यादा बड़ा कैसे किया जाए। तो दोस्तों ट्रेवल एजेंट के बिजनेस को सबसे ज्यादा जो अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एडवर्टाइजमेंट। इसको आप किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, आप चाहे तो पंपलेट छपाइए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स वगैरह के नजदीक में जाकर के पंपलेट आप ये करवाइए, डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। इसके अलावा आप पेपर्स वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो वेबसाइट के थ्रू आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, एडसेंस के थ्रू फेसबुक पे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड बंदा है तो वो आपके बिजनेस को कम से कम 10 से 15 तरीके से प्रमोट कर सकता है और ये बिजनेस जितना ज्यादा प्रमोट होता है उतना ज्यादा चलता है। और अगर जो बंदा आपके यहाँ सर्विस ले लिया, आपके थ्रू जो सर्विस लिया है, अगर उसने आपके बिजनेस को और रिकमेंड किया, मतलब कि अगर मैं आपसे होटल लिया हूँ, मुझे सब कुछ पसंद आया, आपका सर्विस पसंद आया, तो मैं बताऊंगा कि ये ट्रेवल एजेंट्स के पास से आप बुक करवाइए, यहाँ से और बेटर आपको सब कुछ सुविधा मिलेगा, तो और भी ज्यादा लोग वहां पे जाएंगे, आपके पास आएंगे, तो इस तरीके से आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो सकता है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, अगर पर डे का मैं कमाई में बताऊं, अगर मिनिमम कमाई की मैं बात करूं तो तकरीबन एक ट्रेवल एजेंट का मिनिमम कमाई 5,000 से 5,000 के बीच में होता है, छोटे लेवल का है। तो अगर इससे बड़े की मैं बात करूं तो तकरीबन 10 से 15,000 रुपए का पर डे का कमाई होता है। तो दोस्तों ये था ट्रेवल एजेंट से रिलेटेड बिजनेस, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। कहीं और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर आपको इसकी जानकारी दे सकता हूं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।